आज हम स्टार्ट करते हैं जी। क्रियो के अंदर जो है अपने एक हेयर ब्रश बनाना है जी, ठीक है। इसके लिए हम जाते हैं जी फाइल न्यू, अनचेक किया, यहाँ पे मैंने नाम लिखा जी हेयर ब्रश और इसको मैंने कर दिया ओके। इसका यूनिट मैंने रखा है मिलीमीटर न्यूटन सेकंड और इसको मैंने कर दिया जी ओके। इसके बाद मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया जी फ्रंट व्यू, फ्रंट सेलेक्ट करके मैंने स्केच पे क्लिक किया। इसके बाद मैंने एक सर्कल बनाया है जी, जिसका डायमीटर रखना है जी आपने 50 मिलीमीटर, इसको मैंने 50 लिखा और एंटर कर दिया। इसको यहाँ पे फिट टू स्क्रीन करके ओके कर देना है। इसके बाद एक्सट्रूड की कमांड लेनी है, इसका साइज आपने एक्सट्रूड में रखना है जी 200 लिख के मैंने जो है ना इसको इसकी डायरेक्शन रिवर्स कर दी और इसको मैंने कर दिया जी ओके। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या करना है जी, स्केच पे जाना है। स्केच में मैंने ये जो सेंटर प्लेन है इसको मैंने सेलेक्ट किया, स्केच व्यू कर देना है। यहाँ पर मैंने जो है एक सर्कल बनाना है जी। इस सर्कल का जो डायमीटर है, एक कंस्ट्रेंट मैं डिलीट करता हूँ यहाँ से। ये सर्कल का डाया मैंने रखना है जी 2 मिलीमीटर, सर्कल डाया 2 रखा है और इसको मैंने ओके कर दिया। कंट्रोल डी करके डिफ़ॉल्ट पोजीशन पे लेके गया हूँ और इसको मैंने एक्सट्रूड कर देना है सिमेट्री ऑप्शन के साथ। इसका साइज मैंने देना है जी 100 दिया है और इसको मैंने रिमूव मटेरियल ख़त्म करके ओके करना है। इसके बाद मैंने यहाँ पे जो है एरे की कमांड लेनी है, पैटर्न की कमांड। पैटर्न में मैंने जो है यहाँ पे सेलेक्ट किया है जी एक्सिस, एक्सिस में ये मेरे पास एक्सिस है जी, इसको मैंने सेलेक्ट किया। नंबर ऑफ आइटम्स मैंने यहाँ पे 9 कर दी, 9 और इसको मैंने ओके किया और फिर मैंने ओके कर दिया। ये कुछ इस तरह का मेरे पास जो है ना ये हिस्सा बन गया। दोबारा पैटर्न पे मैंने क्लिक किया, पैटर्न की कमांड ली। यहाँ पे अब मैंने ऑप्शन लेनी है डायरेक्शन की। डायरेक्शन अब मेरे पास ये डायरेक्शन है, इसमें नंबर ऑफ आइटम्स मैंने दिए हैं यहाँ पे 20। इनके दरमियान में गैप थोड़ा सा ज़्यादा मैं कर देता हूँ जी, इसको मैंने दे दिया जी 9। जैसे 9 किया तो ये तकरीबन जो है ना इसके यहाँ तक जो है ना पॉइंट्स बन गए हैं हमारे। इसको मैंने कर दिया है जी ओके। जैसे ही ओके किया था आप देखें यहाँ पे जो है इसके ये हेयर जो है ना ब्रश के जो हेयर से वो शो हो गए। जैसे ये देखें ये जो है जिस तरह आपका हेयर ब्रश है सेम उसी तरह की जो है ना ये वाला हिस्सा बन गया है। इसके एंड्स को जो है ना यहाँ पे थोड़ा सा राउंड कर देते हैं ताकि अच्छा और लगे। ये वाले एजेस जो है ना हमने 2 मिलीमीटर का राउंड कर दिया, इसको ओके कर दिया, कंट्रोल डी किया, ये मेरे पास पोजीशन इस तरह की आ गई। अब मैंने क्या करना है जी, यहाँ पे दोबारा मैंने स्केच की कमांड ली। ये वाला जो प्लेन था सेंटर वाला इसको मैंने सेलेक्ट किया, स्केच व्यू कर देना है। स्केच व्यू करने के बाद मैंने जो है एलिप्स में ये ऑप्शन लेनी है एक्सिस एंड एलिप्स। यहाँ पे मैंने जो है एक्सिस ये मैंने इसका जो है एंड लिया और यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया जी। ये वाला साइज मैंने रखना है जी 150, ये वाला साइज जो है ना ये मैंने रखना है जी 75
और ये वाला जो साइज है ये रखना है जी मैंने 45 जो है ना, ये एलिप्स कुछ इस शक्ल का बन जाएगा जो है ना। इसके बाद मैंने क्या करना है जी, यहाँ पे ये साइज थोड़ा सा ज़्यादा कर देते हैं, ये 160, और ये वाला साइज मैंने कर देना जी 80। इसके बाद मैंने क्या करना है जी, यहाँ पे आर की कमांड लेनी है यहाँ पे। इसके साथ मैंने जो है ना एंड पॉइंट लेते हुए इसका ये एक आर्क बना लेनी है। इसका ये पॉइंट को थोड़ा सा ड्रैग करके जो है ना ऊपर ले जाते हैं। इसको मैंने डेल किया, दोबारा मैंने आर्क की कमांड ली, यहाँ से मैंने आर्क ली इतनी, और इसको मैंने जो है ना यहाँ पे ये वाला पॉइंट जो है ना ये मुझे जो है ना सरफेस इस तरह चाहिए। इसके बाद जितनी एक्स्ट्रा लाइन थी वो मैंने कर देनी है रिमूव डिलीट सेगमेंट से। ये वाला हिस्सा मुझे नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, इधर से ये वाला भी नहीं चाहिए, और इसी तरह मुझे एक लाइन चाहिए यहाँ से यहाँ तक एक लाइन, और इसको इसके साथ मिला यहाँ पे जो है ना ये लाइन शो हो रही थी वो कह रहा जी कुछ इसमें एक्स्ट्रा लाइन हैं वो मैंने डेल की हैं वो कर, यहाँ पे एक लाइन मिस है यहाँ से लेके यहाँ तक, जैसे ही जो है ना लाइन मिस जो है ना कंप्लीट हुई है तो इसने हमें सेक्शन शो कर दिया, इसका कलर चेंज हो गया है। इसको मैंने दोबारा एडिट किया है, एडिट करने से एडिट करके एक मैंने सेंटर लाइन एक लगानी है यहाँ पे, सेंटर लाइन लगाई, इसको फिर टू स्क्रीन किया और ओके कर देना है। इसके बाद मैंने रिवॉल्व की कमांड ली, जैसे रिवॉल्व किया तो हमारे पास जो नहीं ये वाला हिस्सा बन गया, यहाँ पे एक सरफेस है और एक सॉलिड है, आपने सॉलिड में करना है, और इसको मैंने ओके कर दिया, ओके करके कंट्रोल डी किया है तो ये हमारे पास जो ना एक ब्रश बन जाता है जी, जिसमें हमारे पास जो ना जो मैंने वीडियो में बताया जितने नंबर ऑफ हेयर्स होने चाहिए वो हैं, और इसका अगर यहाँ पे ये सारे हम डाटम ख़त्म करें तो ये हमारे पास इसकी शेप बन रही है। ठीक है, इसको मैंने कंट्रोल डी करके इसको सेव किया है। अब इसके ऊपर जो है ना थोड़ा सा मैंने कलर्स भी करने हैं, या इसके ऊपर मैं कहता हूँ जी नाम लिखना है तो नाम भी लिखा जा सकता है। नाम के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये वाले डेटम जो थे वो मैंने ऑन किए हैं, स्केच में गया हूँ, यहाँ पे मैंने स्केच किया है स्केच व्यू, और यहाँ पे मैंने नाम लिख कर दिया अपना, यहाँ से ऊपर वाली सेक्शन से यहाँ पे मैंने लिख दिया जी साजिद अली मुगल जो है। इसको मैंने थोड़ा सा टेक्स्ट को छोटा भी कर सकते हैं, यहाँ पे ये एस्पेक्ट रेशियो में जाके छोटा कर दिया, इसको ओके किया ओके, और इसको मैंने एक्सट्रूड कर दिया, एक्सट्रूड करके इसकी लेंथ ज़्यादा होगी, इसको मैंने 3 मिलीमीटर दे दिया, ये तकरीबन मेरे पास ये हिस्सा एक बन गया। ठीक है, इसके बाद जो है ये नाम जो है ना अलहदा से ऊपर लिखा गया है ताकि पता चले जो है ना। इसके बाद हमने इसके ऊपर कुछ जो है ना मटेरियल अप्लाई करने हैं, मटेरियल के लिए रेंडर पे जाना है, रेंडर में जैसे ही जाएंगे तो ये हमें कुछ इस तरह का जो है ना नज़र आ रहा है। अपीयरेंस में जाना है अपने, आपने इस पे जो है ना कलर देना है जी ब्लू कलर, आपने इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल का बटन प्रेस करके दूसरा फेस भी मैंने सेलेक्ट किया, इसको
थोड़ा सा टेढ़ा कर लेते हैं ताकि सिलेक्शन में आसानी रहे। इसको मैंने सेलेक्ट किया और ये वाले फेस को सेलेक्ट किया और मैंने ओके कर दिया। यहाँ पे ये हमारे पास जो है ना एक कलर हो गया जी इस तरह का। अब यहाँ पे नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ जी, यहाँ पे ये वाला कलर लेता हूँ जी, ये वाली जो सरफेस है इसको सेलेक्ट किया और इससे नीचे वाली जो सरफेस है ये सिलेक्ट करके मैंने ओके कर दिया। इसी में दोबारा जो है ना कलर मैंने लिया जी, यहाँ पे ये कलर लिया जी ब्राउन, इसको मैंने सेलेक्ट किया और इसके साथ ये वाला ऐसा मैंने सेलेक्ट कर दिया, इसको भी मैंने ओके कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये जो ब्लू कलर है ये इसके हेयर पे जो ना लगा देता हूँ। इसको अगर मैं डिफ़ॉल्ट पोजीशन में लेके जाऊँ तो ये हमारे पास जो ना एक हेयर ब्रश बन जाता है जिसके ऊपर हमने अच्छा से इसको एक रेंडर किया है और जो है इसके साइडों पे चैम्फर बनाए लगाए हैं, इसके सरफेस को जो है ना राउंड कर दिया गया है। तो इस तरह जो है ना हमने क्रियो में आज सीखा है जी कि एक हेयर ब्रश जो है ना पैटर्न की कमांड से और रिवॉल्व एलिप्स की कमांड से जो है ना किस तरह बनाया जा सकता है। मिलते हैं ट्यूटोरियल नंबर 20 में।